डायबिटीज़ के ऊपर कोई भी बात करने से पहले डायबिटीज़ हमें होता क्यों है ये जानना बहुत ज़रूरी है। फैमिली मेम्बर में से किसी को भी अगर डायबिटीज़ है तो मुझे कभी ना कभी तो ज़रूर होगा, ये हमारी मान्यता है, लेकिन ये 100% सही नहीं है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं कि जेनेटिक फैक्टर के अलावा और कौन से रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से हमें डायबिटीज़ हो सकता है। समय के साथ साथ जितना मेडिकल फील्ड एडवांस होता गया उतने ही हमारे हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ते गए और इस हेल्थ प्रॉब्लम्स को होने की उम्र घटती गई, यानी कि जो प्रॉब्लम हमें 65 या 70 इयर्स में होते थे अब यही सारे प्रॉब्लम्स हमें 35 या 40 इयर्स में होने लगे। क्या आप इसका रीज़न बता सकते हो? जी हाँ, आपका आंसर मुझे पता है। आप यही कहने वाले हो कि स्ट्रेसफुल लाइफ, पोल्यूटेड एनवायरनमेंट, पेस्टिसाइड्स वाले फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, हाइब्रिड ग्रेन्स, कंटामिनेटेड डेयरी प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहती हूँ कि ये सराउंडिंग जो एनवायरनमेंट है ये तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन इसी एनवायरनमेंट में हम हेल्दी कैसे रह सकते हैं ये सीखना बहुत ज़रूरी है। आजकल मैंने सोसाइटी में एक बात नोटिस की है, 30 या 35 साल में ही बहुत सारे लोगों को हाई शुगर, हाई बीपी, हाई कोलेस्ट्रॉल जैसे प्रॉब्लम्स होने शुरू हो जाते हैं। और ये सारे लोग इतनी छोटी उम्र में मुझे ये प्रॉब्लम क्यों हुआ इसके बारे में सोचने की जगह पे बहुत इजीली इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि खुद को एक्सक्यूज़ देने के लिए उनके पास बहुत सारे रीजनिंग होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता मेडिसिन इनकी लाइफ का एक पार्ट बन जाती है। मैं आपको हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि खुद को एक्सक्यूज़ देना छोड़ दो, जेनेटिक्स या एनवायरनमेंट को ब्लेम करना छोड़ दो, थोड़ा सा खुद के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। आप कहाँ गलत हो उसके बारे में सोचो। एज अ न्यूट्रीजेनेटिक काउंसलर मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि अगर कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम के जीन्स आप में आए हैं तो वो तभी ही एक्टिव हो सकते हैं जब आपकी लाइफस्टाइल गलत है। जीन्स या एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन ऐसे 3 फैक्टर्स है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिसको हम जैसे चाहे ऐसा चेंज कर सकते हैं और डायबिटीज़ को आते हुए रोक सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि ये 3 फैक्टर्स क्या है। फर्स्ट, ओवरवेट या ओबेसिटी। हम सब जानते हैं कि ओवरवेट की वजह से हमें कितने सारे हेल्थ प्रॉब्लम हो सकते हैं, स्पेसिफिकली सेंट्रल ओबेसिटी। सेंट्रल ओबेसिटी इज़ मेजर कॉज ऑफ डायबिटीज़। हमारे एब्डोमिनल कैविटी के अंदर 3 मेजर ऑर्गन्स आए हुए हैं, लीवर, पेंक्रियास एंड इंटेस्टाइन। ये तीनों ऑर्गन्स के बीच जो फैट होती है उसे विसेरल फैट कहा जाता है। अगर ये विसेरल फैट सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा होती है तो ये फैट हमारे हार्मोन के फंक्शंस को डिस्टर्ब करती है और इस चीज़ की वजह से हमें डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये विसेरल फैट सिर्फ डायबिटीज़ ही नहीं, बहुत सारे क्रॉनिक डिजीज़ का रूट कॉज है। सो फोकस ऑन योर वेट। सेकंड, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। ये पेंडेमिक के दौरान हम डाइट और एक्सरसाइज का इम्पोर्टेंस समझ गए हैं। हम में से 60% लोगों ने ये पेंडेमिक के पहले कभी एक्सरसाइज नहीं की होगी। वो लोग भी अपनी भागती हुई ज़िंदगी में से आधा घंटा निकाल के अब एक्सरसाइज कर रहे हैं। और ये आधा या पौना घंटा एक्सरसाइज करने से क्या आप ये सोचते हो कि आप एक्टिव हो गए हो? आपकी लाइफ सेडेंटरी लाइफ नहीं कही जाती है, तो आप गलत सोच रहे हो। 30 या 45 मिनट जो आप एक्सरसाइज कर रहे हो वो आपकी एक्टिविटी का ही एक पार्ट है जिससे आपकी फिटनेस बढ़ती है, बट ये नहीं कहा जाता कि आपकी लाइफस्टाइल एक्टिव है। अगर ये आधा घंटा एक्सरसाइज करने के बाद आप पूरा दिन बैठे रहते हो और बैठे बैठे ही काम करते हो, आपकी बॉडी मूवमेंट बहुत रिस्ट्रिक्टेड होती है, तो इसको भी सेडेंटरी लाइफस्टाइल ही कहा जाता है। तो एक्सरसाइज करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक्सरसाइज से भी ज़्यादा ज़रूरी है एक्टिव रहना। WHO के सर्वे के अनुसार फिजिकल इनएक्टिविटी इज़ द रिस्क फैक्टर ऑफ क्रोनिक डिजीज़ एंड 4th लीडिंग कॉज ऑफ डेथ। सो अगर डायबिटीज़ से बचना है तो एक्सरसाइज और पूरे दिन एक्टिव रहना दोनों बहुत ज़रूरी है। थर्ड, रॉन्ग डायटरी हैबिट्स। नॉट द पॉइंट, आई एम नॉट टेलिंग अबाउट रॉन्ग फूड चॉइस, आई एम टेलिंग अबाउट रॉन्ग
ईटिंग पैटर्न। हमारी हेल्थ चार फैक्टर के ऊपर डिपेंड होती है। फर्स्ट, आप क्या खाते हो। डेफिनेटली हमारी फूड चॉइस हमारी हेल्थ को अफेक्ट करती है, लेकिन इसके अलावा भी और तीन फैक्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, आप क्यों खाते हो। थर्ड, आप कब खाते हो। और फोर्थ, आप कैसे खाते हो। मान लो कि आपकी फूड चॉइस गलत है, लेकिन फूड चॉइस के अलावा बाकी के तीन फैक्टर पर अगर आप काम करते हो तो आपकी फूड चॉइस अपने आप बदल जाती है। तो जब भी आप खाना खाइए तो एक सवाल अपने आप से ज़रूर पूछिए कि मैं क्यों खा रहा हूँ। क्या मुझे सच में भूख लगी है इसलिए मैं खा रहा हूँ, या मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इसलिए मैं खा रहा हूँ, या मैं आज बहुत खुश हूँ इसलिए मैं खा रहा हूँ, या बैठे बैठे बोर हो गया हूँ क्या करूँ पता नहीं चलता है इसलिए मैं खा रहा हूँ, या दोस्त बहुत फोर्स कर रहे हैं इसलिए मैं खा रहा हूँ। तो जब भी खाना खाओ तो ऑब्जर्व कीजिए कि आप खाना क्यों खा रहे हो। थर्ड फैक्टर, कब खा रहे हो। सुबह उठने में देर हो गई, ऑफिस जाने का लेट हो गया, सो हमने ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया और डायरेक्ट लंच लिया। ऑफिस में इतना सारा काम था कि लंच स्किप हो गया, और जब शाम को 5:30-6 o'clock आप छूटते हो, इतनी ज़ोर से भूख लगती है, तो जो भी सामने फास्ट फूड सेंटर होता है हम जाके वहाँ से खा लेते हैं। तो ये सब जो इरेगुलरिटी होती है फूड के टाइमिंग की, खाने का हमारा कोई समय फिक्स नहीं होता है, इसकी वजह से भी हमारी हेल्थ डिटोरिएट होती है। फोर्थ, लास्ट फैक्टर बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, कि आप खाना कैसे खाते हो। इतनी सारी दिन भर एक्टिविटी करनी होती है कि हमारे पास टाइम ही नहीं होता है बैठ के खाने का, बस यूं ही भागते भागते ठूसते रहते हैं। या तो हम खाना टीवी देखते देखते या फ़ोन के ऊपर फ्रेंड्स के साथ बात करते करते खाते हैं, कि हमें वो सेंस ही नहीं है कि हमारा पेट फुल हो गया है, और इसकी वजह से हम ओवर ईटिंग करते हैं। तो जब भी खाना खाओ अपने सारे सेंस ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करके खाओ। जो खाना हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, जो खाना हमारे बॉडी को न्यूट्रिएंट्स देता है, उस खाने को रिस्पेक्टफुली खाइए। तो फूड चॉइस के अलावा बाकी के जो तीन फैक्टर्स है उसको अगर आप माइंड में रख के खाते हो तो इसे कहते हैं माइंडफुल ईटिंग। और अगर आप माइंडफुल ईटिंग करते हो तो आपकी फूड चॉइस चेंज हो जाएगी और आप हेल्दी रह सकते हो। इन शॉर्ट, जेनेटिक्स एंड एनवायरनमेंट, ये दो फैक्टर्स को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन ओवरवेट, सेडेंटरी लाइफस्टाइल एंड रॉन्ग डाइटरी हैबिट्स, ये तीनों फैक्टर को हम चेंज कर सकते हैं और डायबिटीज़ जैसे राजरोग से हम बच सकते हैं। चलिए तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड विथ मी, स्टे कनेक्टेड विथ परिचय न्यूट्रिशन क्लिनिक, क्योंकि लाइफ अभी बाकी है। थैंक यू।